गाइस, तो आज हम फिर से खेल रहे हैं स्टंबल गाइस, और मैं आज आपको कुछ सरप्राइज दूंगा। पहला राउंड आ गया पीवट पुश, और आपको पता चल गया क्या होगा। ये देखो, मेरी तरफ देखो, मैंने कौन सी स्किन पहनी है, इन्फर्नो ड्रैगन। और मेरे पीछे से भी आग आ रही है, भी ऑब्वियस है। अगर मैं ड्रैगन बनाऊँ तो फिर इधर किसी को लात मारते। कोई आओ आओ, ही बेस्टी। इस तरह से जाते हैं, ऐसे जाते हैं। पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन मैं कर रहा हूँ जो भी कर रहा हूँ। वाह, ये क्या बोला मैंने, बीबी भी। और यहाँ पर कर दिया है पोपट। इसी के साथ फर्स्ट टू क्वालिफाई का सपना सपना ही रह जाएगा हमेशा के लिए। नहीं 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 नहीं, भाग 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 इन्फर्नो ड्रैगन, मेरे ड्रैगन भाग। डिस्क्वालीफाई। और यहाँ पर हम आराम से क्वालिफाई कर लेंगे, सेट्टी को एक लात मार दी। चलते हैं अब नेक्स्ट राउंड की। अगर क्वालिफाई कर ली है तो देखते हैं अगला राउंड कौन सा आते है। और आगे है रॉकेट रंबल। बेंसक्यू भाई, आपने क्या बोला था कि हम टीम मैप कम कर दिए, क्या है? और मेरा ड्रैगन ब्लू कलर का हो गया। नहीं, मेरा प्यारा ड्रैगन ब्लू कलर का करे बेंसक्यू। अब तो नहीं छोड़ूंगा, तो नहीं छोड़ूंगा बेंसक्यू। ये येलो टीम के कारण हुआ, इन लोगों ने येलो चूज किया था। नहीं 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 नहीं, मेरा ड्रैगन डूब गया पानी में। लेकिन कोई बात नहीं, इतना ज़्यादा ओवर एक्टिंग क्यों कर रहा हूँ मैं, पता नहीं। अबे भाई, मैं इतना नूब कैसे हूँ। और यहाँ पर मैं अपने पैर में कुल्हाड़ी मार लिया, बार तो मैंने अपने पैर में स्लिप मार लिया, चप्पल मार ली अपने पैर में, और ये टिंकर बेल गया। यस गाइस, हम ही जीतेंगे। पट से हेडशॉट, क्या पर पड़ा उसे, वो गिर गया, लेकिन मैं भी गिर गया साथ ही साथ। यार चप्पल पड़ी थी बस। और यहाँ पर पिंग क्या कर दिया, अरे पिंग ने, मैंने अपने टीममेट को मार दिया। भाई क्या हो रहा है ये, कुछ बता, मेरे पास टाइम नहीं। तुम लोग फ्लैग कलेक्ट करो, ये पड़ा है यहाँ पर पड़ा, उनके फ्लैग का नामो निशान मिटा देते। ये हो क्या रहा है, कोई बताएगा मुझे? हैपनिंग हियर, थैंक यू एस्ट्रोनॉट भाई ये मदद करने के लिए। तो सभी हमारा झंडा कहाँ है। और यहाँ पर हो गए हम क्वालिफाई, तो चलते हैं हमारे फाइनल राउंड की ओर। तो हमारा नेक्स्ट राउंड आ गया, हमारा फेवरेट तो नहीं, फिफ्थ फेवरेट ब्लॉक डैश। और यहाँ पर मैं कभी नहीं जीत पाता, पर पता नहीं क्यों फेवरेट बोलता हूँ, लेकिन है फेवरेट। यार लात पड़ती ना, पर तो हमने सीधा ऊपर से गए हैं, कोई झंझट ही नहीं। यहाँ पर हमने तोड़ दिए, एक बार भी कोई झंझट नहीं। ये पड़ा, इस बार झंझट है थोड़ा सा, लेकिन चार एलिमिनेट हो चुके ऑलरेडी। यार एक बार इस स्विमर को मारना है मुझे। और यहाँ पर हम गिरते गिरते क्वालिफाई किए गाइस, एपिक मोमेंट। यहाँ पर आता हुआ फैबन है, अपनी मसल दिखाकर क्वालिफाई करता हुआ इन्फर्नो ड्रैगन इज सो लकी। ठीक है गाइस, तो फिर हम आ गए दूसरे मैच पर। पहला मैच तो बहुत एपिकली विन किया था मैंने। आ गए हम बस नंबर, और हम इसमें एलिमिनेट हो ही नहीं सकते,
ये हमारा सिक्स्थ फेवरेट मैप है, हमारा नहीं मतलब मेरा, क्योंकि मुझे आपका तो नहीं पता। हमेशा साइड से जाओगा क्योंकि चाहे बॉट हो या रियल प्लेयर, बॉडी लग जाती है भाई। टेकिंग रिस्क, हाँ पता है रिस्क है तो इसके है, लेकिन स्टंबल गाइड में बिल्कुल नहीं है ये। रिस्क है तो इसके है नहीं है। और यहाँ पर ओ इन्फेर्नो ड्रैगन, बहुत लकी है इन्फेर्नो ड्रैगन, लेकिन नहीं इस बार नहीं, इस बार नहीं। ये हो क्या रहा है, मैं कर क्यों नहीं पा रहा हूँ। पर फाइनली इतने पिटाई खाने के बाद लास्ट डब्बे से हम फाइनली आ चुके हैं। और यहाँ पर जब तक ये लोग आ रहे थोड़ा सा सो लेते हैं। ये टिंकर बेल आया और यहाँ पर इस रोबोट को लात मारते और चलते, और क्वालिफाई हो गए तो नेक्स्ट राउंड की ओर चलते गाइस। तो गाइस मैं ब्लॉक डैश मैं रिकॉर्डिंग चालू करना भूल गया था और ये कैसे हो गया। तो ब्लॉक डैश में मैं क्वालिफाई कर लिया, सिर्फ 6 ही लोग क्वालिफाई हुए। बहुत एपिक मोमेंट आप लोग ने मिस कर दिया मेरी गलती के कारण, तो अब उसे भूल कर चलिए चलते हैं नेक्स्ट राउंड की ओर। और यहाँ पर पिंक सड़ियल चली, बहुत बेकार चली। और यहाँ पर ट्रिक काम नहीं की, पहले तो होती थी पता नहीं क्यों नहीं हुई। तो हम लास्ट में चलते एकदम, ये आ गए हम लास्ट में। अब यहाँ पर आएगा ना मजा वीडियो, पर सारी टाइल कर दो ख़त्म ताकि मैं जो भी आए। और यहाँ पर इतनी इजी भी, तो गाइस एक बार फिर फैब ने जीत चुका है ये राउंड, तो 2 में से 2 बार जीते गाइस। देखें मैं अल्टीमेट अल्टीमेट एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा अल्टीमेट प्रो लेजेंड, आई एम लेजेंड, समझ रहे हो, समझ रहे हो, हाँ समझ रहे हो। तो गाइस पहले 2 मैचों में ये एपिकली विन के बाद हम आ गए 3रे में, और आप देखते हैं इस बार जीत पाएगी या नहीं। तो देखते हैं क्या होता है इस 3रे राउंड। बाय द वे जैसी हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस गाइस, मेरे भाई का बर्थडे था सेंटू का, मैंने एक वीडियो भी बनाई थी 1 लाइक फॉर क्यूटनेस ऑफ माय सेंटू, आपने वो वाली वीडियो देखी होगी आई होप, और अगर नहीं देखी है तो देखो ना। और उसका कल बर्थडे था तो फिर मैं सोचा था व्लॉग रिकॉर्ड करूँगा लेकिन कर नहीं पाया था बाय सम रीजंस। और यहाँ पर हम टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं यूज़ करेंगे, पहले ये लोग बॉट है और इन्हें कितना पकाऊँ भाई, भाई आदत पड़ गई अब ऐसे करने की। तो चलो फाइनली 2 बार गिरने के बाद इंटेंशनली हम आ गए हैं। और ये भाई ये हम एपिकली पहुँचे हैं, वरना मुझे लग रहा था कि मैं गिर जाऊँगा। रेयरली हर चीज़ में एपिक नहीं यूज़ करते। और यहाँ पर कोई रिस्पॉन नहीं हुआ, फालतू की ट्रिक है ये, ट्रिक ही नहीं है ये भाई, ऐसे आधा लॉक बनाते क्यों है। तो चलो अब थोड़ा यहाँ पर सेंट्रिक्स किया जाए। ये मिस्टर जॉन सी मी धन उस आंटी को अभी पड़ेगी एक जोर से चटकन, तब समझ आएगा। नहीं पड़ा, मैं इधर रुकता हूँ आंटी जी, नहीं पड़ेगी एक तो पड़ेगी, एटलीस्ट एक पड़ी। नहीं मैं अपना फर्स्ट फर्स्ट क्वालिफाई का सपना, हाँ फर्स्ट हो गए क्वालिफाई का ही। अब चलते हमारे नेक्स्ट राउंड की, और अगर क्वालिफाई हो गए तो गाइस। तो यहाँ पर 11 ही लोग हो पाए, 2 लोग बंदे सामने आ गए थे लेकिन तभी राउंड का टाइम ओवर हो गया। यहाँ पर 11 लोग जाएंगे अगले राउंड की ओर, तो एक सर्वाइवल राउंड आएगा मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन मैं बहुत बड़ा गलत था, मुझे बहुत बड़ी गलत फहमी हुई थी। पिवट पुश आया इसमें, पिछली बार हमने बहुत कचरा किया था, तो चलो हम इनके जैसे ही चलेंगे, बॉट्स के जैसे। फालतू को मारने की कोशिश कर रहा था, तुम लोग आगे जाओ मैं पीछे पीछे। अरे यार फिर से मिस हुआ, इस बार पक्का ये पड़ा ना पट से हेडशॉट, इस बार इसे सिर्फ अंकल को पड़ेगा।
गाइस यहाँ पर तो मैंने अब तक जंप बहुत कम लगाई है। हेलो कितना आ आ आ आंटी आ मजा आता है यार मारने में, रिवेंज ले रहा हूँ। तो गाइस ये लोग आ नहीं रहे तो मैं थोड़ी देर सो ही लेता हूँ, जब हो जाएगा जब आ जाए। आ गए क्या? हाँ चलो। तो गाइस पहले राउंड तो आसानी से हो जाते हैं, हम चलते हैं नेक्स्ट राउंड की ओर। गाइस तीन ही लोग बस गए, सिर्फ तीन लोग एलिमिनेट हुए क्योंकि पिछले राउंड में 11 ही हुए थे, 5 लोग कम थे। और यहाँ पर आ गया बॉम्बार्डमेंट, पहला क्राउन जिसमें आया था। ओ यार मेरे इन्फेर्नो ड्रैगन जला तो नहीं देगा ना? नहीं जलाएगा, चलो नहीं जल रहा। यहाँ पर रेड टाइल में खड़ी हो जाता ताकि जलाए ना। और यहाँ पर मैं किसी को तो लात मारूंगा, और ऐसी गंदी लात मारूंगा ना फट से एलिमिनेट होगा। और यहाँ पर मैं ही एलिमिनेट हो जाता। और ये हो क्या रहा है? इतनी की यूज़ नहीं कर पा रहा, तो कि काम की क्या भाई जब यूज़ ना कर पाऊँ? आज कहा गया जब की यूज़ नहीं कर पाऊँ तो स्टंबल पास में मत लेना पैसे। लेकिन मैं क्यों यार, मैं एलिमिनेट हो गया। तो गाइस नेक्स्ट मैच की ओर चलते हैं, और ये फाइनल मैप रहेगा, और जो जीता रसलाना पी को बहुत बड़ा शाउट आउट। तो गाइस हमारा लास्ट मैच आ रहा है, मैं पहले राउंड में एलिमिनेट हो, दूसरे राउंड में एलिमिनेट हो, तीसरे में एलिमिनेट हो, चाहे मैं एलिमिनेट ना हो, लास्ट मैच ही है। तो देखते क्या इस मैच में हम क्राउन ले लेंगे, अल्ट्रा प्रो मैक्स लेजेंड। सामने कौन आएगा? टाइल फॉल आया है, ठीक है, चैलेंज एक्सेप्टेड। तो गाइस अगले मैच में एक और सब सरप्राइज रहेगा, जो कि रहेगा एमरल्ड वाला स्पेशल स्किन, शायद से एमरल्ड वाला या फिर कोई और भी हो सकता स्पेशल स्किन, लेकिन कोई स्पेशल स्किन रहेगा इन्फेर्नो ड्रैगन के अलावा। और यहाँ पर हमने बहुत कठिन नहीं, अरे बॉट्स है ना। तो फिर चलते आगे, और यहाँ पर हम नहीं कर पाए ट्रिक, ये बेकार ट्रिक, मुबारक तू जिसने बनाई है। पर भाई बॉट्स को तो देखो कितना स्लो चलते हैं, और यहाँ पर क्या पड़ा एक शेफ को। तो चलते हैं नेक्स्ट राउंड की, और ये बहुत फनी था जब मैं क्वालिफाई किया। तो गाइस चलते हैं। तो गाइस पहला राउंड तो बहुत फनीली क्वालिफाई हुआ, तो चलते हैं नेक्स्ट राउंड की। और दूसरा राउंड पहली बार सुपर स्लाइड आया, तो फिर अगर हमें किसी को अगर लात मारनी है तो एक ही बार मार पाएंगे, तो फिर वो टाइमिंग है सामने। पहले यहाँ पर फिर से वही शेफ को मारा गया है जो पिछले राउंड में भी मैंने मारा था ट्रायल फॉल में। तो फर्स्ट टू क्वालिफाई तो हो जाएंगे, आराम से हो जाएगी गाइस, नहीं हो पाएंगे फर्स्ट के, आप तो लास्ट भी नहीं हो पाएंगे शायद से, क्योंकि हम फर्स्ट सेकंड हो जाएंगे, सेकंड या फोर्थ, थर्ड पक्का नहीं हो पाएगी, थर्ड भी नहीं हो पाएगी गाइस, हम फिफ्थ या फिर सिक्स्थ नंबर या फिर सेवेंथ या फिर लास्ट हो गए। यहाँ पर एक अंकल को पीछे किया था मैंने, लेकिन समुराई को, लेकिन वो उसकी जगह शार्क आगे बढ़ गई। और मैं कितने नंबर में हो रहा हूँ? लास्ट 8th नंबर मैंने क्वालिफाई हुआ था। तो चलते हो गाइस नेक्स्ट लास्ट राउंड की ओर, और लास्ट राउंड कौन सा आएगा? हनी ड्रॉप, हनी ड्रॉप। और गाइस बाय द वे मेरे पास एक मेरी एक बहन है रैबिट, जिसका नाम है हनी, लेकिन मैं रैबिट नहीं हूँ ना, ये गलत फहमी में मत रहिए। तो फिर गाइस लास्ट राउंड है ये, तो देखते हैं हम क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं। और मेरे पास एक और सिस्टर है, और उसका यूट्यूब चैनल है, तो गाइस आप उन्हें भी सब्सक्राइब कर पाएंगे अगर आप CMA में है तो, जिसका नाम है CMA हब, गाइस सर्च करना यूट्यूब में,
और आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर हम बोलते ही बोलते 5 एलिमिनेट हो चुके हैं, अब आराम से खेलते हैं और 7 एलिमिनेट हो गए गाइस, एक बार फिर हम जीत चुके फैब बन है। तो गाइस मैं जो आपको एक और सब सरप्राइज देने वाला हूँ इस वीडियो में वो की है अभी दे रहा हूँ गाइस, जो कि है आपको हमें मुझे स्किन कमेंट करिए, उसमें मैं अगला मैच खेलूँगा तो मेरे पास ही एक जो मैं बोल रहा था ये देखिए जो मेरे पास एक और स्किन है, मेरे पास बहुत सारी स्किन है। और गाइस कमेंट में बताना कि मैं एक ऐसी कौन सी स्किन है जो ग्रीन कलर की है और उसके अलावा उसकी 3 प्रजातियां और हैं, थी कौन सी स्किन है, एक मिनट मुझे देखने दो, 3 है कि 2 है, हाँ 2 प्रजाति है, वो ऐसी कौन सी स्किन है गाइस कमेंट कीजिए। और ना आप अपनी फेवरेट स्किन कमेंट कीजिए और ये भी कमेंट करना कि मैं अगली स्किन कौन सी लूँ। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आई होप यू इंजॉयड दिस वीडियो, अगर इंजॉय की है तो गाइस क्या है ये, मैंने अभी देखा है यूट्यूब में कि 30% लोग सब्सक्राइब करते 60% लोग नहीं करते, तो ये क्या है गाइस, ये क्या है ये, 40% लोग सब्सक्राइब करते 60% लोग नहीं करते, क्या है गाइस, सब्सक्राइब करो अगर वीडियो देख रहे हो तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, टेक केयर एवरीबॉडी एंड बाय बाय।